नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बारिश से शहर गांव के बिगड़े हाल, पुलिया डूबने से 2000 लोगों की रुकी आवाजाही, घरों में घुसे कीचड़ से गृहस्थी बर्बाद। शुक्रवार और शनिवार को तेज बारिश के बाद रविवार को बारिश की गति कम हो गई है। बीते 24 घंटों में इंदौर में केवल 8 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई। शहर की औसत 37 इंच बारिश 2 दिन पहले ही पूरी हो चुकी है। अब तक इंदौर में 45 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंदौर उज्जैन संभाग में अब कमजोर हो गया है। रविवार को यह लो प्रेशर के रूप में एक्टिव रहा। सोमवार को हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। बारिश के बाद पानी उतरते ही मुसीबत चढ़ गई। बस्तियों में सबसे ज्यादा खराब हालात बन गए। पानी उतरा तो घरों के सामने कीचड़ फैल चुका था। रविवार को पूरा दिन लोगों ने घर का सामान व्यवस्थित करने में बिताया। गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों और तालाब का पानी अभी भी आफत बना हुआ है। कबूतर खाना, नॉर्थ तोड़ा, कुशवाहा नगर, महेश नगर व चंदन नगर की बस्तियों के जिन परिवारों को शिफ्ट किया था, वे रविवार सुबह घर तो लौटे, लेकिन हालात अब भी रहने लायक नहीं है। शाम को सभी को वापस धर्मशालाओं का ही आसरा लेना पड़ा। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़क पर अभी पानी भरा हुआ है। सियागंज, चंदन नगर से लेकर नॉर्थ तोड़ा सहित कई कॉलोनियों में पानी जमा है। इससे व्यापार प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोगों ने दुकानें ही नहीं खोली। शनिवार को भी इसी वजह से दुकानें बंद थीं। रविवार को भी यही स्थिति रही। एमटीएच अस्पताल का तलघर ताला बन चुका है। करंट ना फैले इसलिए चारों लिफ्ट बंद करना पड़ी। गर्भवती व डॉक्टरों को सीढ़ियों या रैंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी निकालने के लिए नगर निगम से मशीनें बुलाई गईं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पानी निकालने में 4 दिन और लगेंगे। पुलिया पर पानी, शाहपुरा के 2000 लोग अटके। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से सबसे ज्यादा देपालपुर में इसका असर देखा गया है। इस सीजन में देपालपुर में अब तक 68 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस दौरान जहां 50 से ज्यादा गांवों की सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है, वहीं यहां शाहपुरा गांव ऐसा है जहां सबसे ज्यादा पानी अभी भी भरा हुआ है। दरअसल यहां मुख्य मार्ग की एक पुलिया 7 साल से क्षतिग्रस्त है, जो पानी में डूब गई है, और शाहपुरा तालाब का पानी लगातार बह रहा है। इस कारण इस रास्ते से आवाजाही बंद है। गांव की आबादी करीब 2000 है। 7 साल से वे जनप्रतिनिधियों से नई पुलिया बनाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है। चूंकि इन 3 दिनों में बारिश बहुत ज्यादा, यानी 16 इंच से ज्यादा हुई है, इसलिए यहाँ के हालात भी खराब हो गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।